हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे आप लोगों का अपने चैनल सर्व विद लव में स्वागत करती हूँ। आइए आज हम सबका फेवरेट सैंडविच बनाते हैं। हमने थोड़ा सा पत्ता गोभी को चॉप कर लिया है, एक टमाटर चॉप किया है, छोटे छोटे दो तीन प्याज चॉप कर लिए हैं, एक गाजर हमने चॉप कर लिया है, एक शिमला मिर्च चॉप किया है और थोड़ा सा हमने धनिया पत्ती काट लिया है और कॉर्न हमने बॉयल करके कॉर्न ले लिया है। इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लैक पेपर को क्रश किया है, क्रश करके डाल दिया है। इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक डाल लेते हैं। अब इसमें हम होममेड मेयोनीज डाल देते हैं। और अगर आपको होममेड मेयोनीज का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। आज हम दो तरीके से सैंडविच बनाएंगे। ये हम पहला तरीका बता रहे हैं और सैंडविच मेकर बनाएंगे इसको ग्रिल करके। जैसे हमने समोसे के साथ वो ग्रीन चटनी बनाई थी वैसे ही ये ग्रीन चटनी है। और अगर आपने हमारे समोसे बनाने वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। अब इसको हम इस लेके ऐसे चारों तरफ इसको हम फैला लेंगे, जैसे कि घी में बना रहे हैं। कि बटर भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, जो आपको लगाने का मन करे। और इसमें हम ऐसे अपने हिसाब से टमाटो केचप इसमें डालना है तो डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी ये हरी वाली चटनी घी के ऊपर थोड़ा सा और स्प्रेड कर देंगे। अब इसको हम इस पे से डाल के थोड़ा सा प्रेस करेंगे, बहुत हल्के हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। इसमें ऊपर से भी जो है घी को थोड़ा सा ऐसे डाल देंगे, इससे करारे सैंडविच बनते हैं, कुरकुरे टाइप के। ये देखिए दूसरे तरफ ही हम सैंडविच में घी लगा देते हैं। इसको हम लॉक नहीं करेंगे, सैंडविच मेकर को स्विच ऑन कर देते हैं, पकने देते हैं। ये देखिए हमारा सैंडविच बनके तैयार है, एकदम क्रिस्पी बना हुआ है। अब इसको हम चाकू से जो है काट लेते हैं। ये देखिए हमने ब्रेड के साइड साइड के जो ब्राउन साइड्स होते हैं उसको हमने काट के निकाल दिया है। अब उसके बाद हम इस पे जो है ग्रीन चटनी लगा लेते हैं। और ये जो हम मिक्सचर बना के रखे हैं, मिक्सचर को भी हम इसी पे लगा देते हैं अच्छे तरीके से थोड़ा दबा के। अब देखिए जैसे बन गया है, इस पे हम फिर से एक घी लगा लेंगे, थोड़ा सा घी लगा लेते हैं हल्के से। इसमें हम टमाटो केचप लगाएंगे। ये नीचे हरी चटनी लगी हुई है और ऊपर से टमाटो केचप लगा देंगे। इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इसको हम बना के छोटे बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। हाँ, ताकि ये टूटे ना, मतलब गिरे ना, ये टूथपिक ये देखिए नीचे तक हो गया ना, ये देखिए, इसलिए हम इसको ऐसे बनाए। तो हमारा सैंडविच बनके तैयार है, बच्चों का फेवरेट सैंडविच बनके तैयार है। अब आप हरी चटनी टमाटो केचप से खा सकते हैं।